नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं DLED फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर वन ये चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कड़ी के बारे में। और इसके दो वीडियो आपको ऑलरेडी करा दिए गए हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने आपके कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स को समझाया आपको, उसके बाद हमने सेकेंड में आपके एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चनों को डिस्कस करा, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सभी क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट जो हैं और उनको किस तरीके से आपको हल करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ। तो ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि 3125 का घातांकी संकेतक आपको बताना है। तो पहले आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो हमने इसके फैक्टर किए हुए हैं। और फैक्टर करने के बाद हमको ये पता चलता है कि 5 5 का कितने बार मल्टीपल करें कि हमें ये 3125 मिल जाए। तो 5 5 का अगर आप 5 बार मल्टीपल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, यानी 5 पे पावर 5 बराबर में 3125। तो यहाँ पर आपको बताया था ये आधार होता है और ये ऊपर चढ़ा हुआ ये आपका पावर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 आंसर कौन सा है, आपका बी है। तो बी आंसर आप यहाँ पे सही मार दें, आप यहाँ पे ले सकते हैं, अतः विकल्प ब यानी 5 पावर 5 सही होगा। देखिए, पेपर में जा करके आपको इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं करना है इसका, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसे आप कहीं रफ कार्य में करें, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस आपको आंसर निकाल लेना अपना, और आंसर निकाल के इसको टिक मार देना है, मतलब पेपर में नहीं मारना है, लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि पहले डाल दीजिए बहुविकल्पी प्रश्न, और बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न नंबर वन, इस तरीके प्रश्न नंबर वन का उत्तर, उत्तर आप डाल दीजिए इस तरीके से, प्रश्न नंबर वन का उत्तर। और यहाँ पर लिख देंगे आप ऑप्शन नंबर ब, इस तरीके से लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर ब इसका सही है, और यहाँ पर लिख देंगे कि 5 की पावर 5 दिया हुआ है, इस तरीके से बस इतना ही छोड़ देना, आंसर आ जाएगा आपका और आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की। हमने इसे सॉल्व क्यों करा हुआ, ताकि आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, 2 की घात 7 का मान कितना होगा, तो 2 की घात 7 का मान, यानी 2 को हम 7 बार अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना मान निकल के आएगा। तो देखिए, गिन लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो 128 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, अतः विकल्प अ 128 सही होगा। तो अ आपका विकल्प दिख रहा है 128, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 4 × 5 पावर 2 + 5 × 4 पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सभी ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 4 तो है ही है, ठीक है, 4 है, 5 की पावर कितना लगा हुआ है, 2। तो 5 की पावर 2 का मतलब 5 का मल्टीपल 5 में करोगे, तो 5 का मल्टीपल 5 पे करोगे मतलब 25 हो गया, ठीक है। तो 25 हो गया, तो देखिए तभी हमने लिखा हुआ 4 × 25, 4 × 25 प्लस का साइन लगाया हुआ है, फिर हमने 5 × 16 लिखा हुआ है। 16 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 पे पावर 2 है, 4 पावर 2 का मतलब 4 का मल्टीपल 2 बार करोगे, 4 × 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, तो वही लिखा हुआ है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर जो 25 चौक 100 होते हैं, तो 25 चौक 100 लिख दिए, और यहाँ पर 16 5 80 होते हैं, तो 80 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका 180 आंसर हो जाएगा। तो अतः आपका जो विकल्प है वो 10 सही हो जाएगा, 180 जो दिया हुआ है, आप विकल्प 10 को टिक कर दें, ठीक है। आपको सॉल्यूशन पेपर में नहीं लिखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है आप भी पेपर में लिखने चलो, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लिखने का तरीका समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चंस के भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगली बार से मैं क्या करूँगा, मैं आपको शॉर्ट तरीके से ही आपको समझा दिया करूँगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हमको बहुविकल्पी क्वेश्चंस करने हैं, इसके चैप्टर के ये किस तरीके से चैप्टर को हैंडल करना है, सब कुछ आप जान चुके हैं, तो हमें ज़्यादा विस्तार में बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ 0.05 पे पावर 3 का आपको क्या करना है, टोटल पावर 3 का आपको क्यू निकालना है। तो देखिए, क्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए एक तो यही है कि आप सीधा 0.05 करें, ठीक है, फिर आप 0.05 करें और इनका आप मल्टीपल करें, ठीक है। अब जो इनसे मल्टीपल आए, ठीक है, उसमें आप फिर से 0.05 का मल्टीपल करें। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है,
आपको इसके पॉइंट को हटा देना है, ये भी पॉइंट हटा दिया, ये भी पॉइंट हटा दिया, और पॉइंट आने के बाद आपके पास नीचे 100 आएगा। क्यों 100 आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक हैं, तो उनका 100 बन गया, देखो दोनों का, तीनों का। अब ऊपर वाले को आप आसानी सॉल्व कर सकते हो, 25 25 25 125, ऊपर कितना हो गया 125 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 100 का मल्टीपल 100 में करोगे, फिर उसमें 100 का मल्टीपल करोगे तो सीधा जीरो रख दीजिए, 60 से हैं तो 60 रख दीजिए। अब यहाँ पे आप 60 देख रहे हो, अभी जब 60 इसमें भाग लगाएंगे 125 में, तो देखिए 125 लिख दिया, यानी इधर से अगर आप चलोगे ना तो 6 स्थान के बाद आपको पॉइंट लगाना होगा। अब ये पॉइंट लग गया ना, इस पॉइंट के बाद 6 अंक होने चाहिए इधर की साइड पे, तो वही देखिए, तो 10 लगाओ 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया, बस आंसर हो गया, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ब नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 3 पे पावर -2 इंटू में 5 पे पावर 3 का मान ज्ञात करिए। तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये 3 पे पावर -2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 पे पावर -5 है। तो आपको बताया था जब बेस होते हैं बराबर, तो उनकी जो पावर होती है वो प्लस हो रही होती है तो प्लस हो जाती हैं, और माइनस हो रही हो तो माइनस हो जाती हैं। क्यों? अगर जब मल्टीपल में चलता है तब का कैसे ये? तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो पावर लिखा हुआ है ना, वो आपका एक माइनस में लिखा हुआ है 5 मतलब 3, और 5 प्लस में लिखा हुआ है, 5 प्लस में लिखा हुआ है, तो किसका प्लस में बचेगा पावर? तो प्लस में बचेगा 3 पे पावर 3, देखो 5 का प्लस ज़्यादा है, तो यहाँ पर यानी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो जाएगा 27, तो यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपको 32 बट्टे -100 लिखा हुआ है, इसका सरलतम रूप आपको याद करना है। तो माइनस से माइनस पहली काट लीजिए, फिर इनमें आप काट लीजिए, ऊपर काट देंगे 4 से तो 4 × 2 = 32 होता है, नीचे काट देंगे तो 25 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8/25, तो 8/25 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और चैप्टर नंबर 1 आपका ये टोटली कंप्लीट हो जाता है, यानी चैप्टर नंबर 1 डीएलएड का 4th सेमेस्टर का आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है, और उनको बताना है कि यहाँ पे 4th सेमेस्टर का जो मैथ है वो स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।